हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं इस झोले से कुछ खास। आज हम इस झोले का रीयूज़ करेंगे। अक्सर हमारे घरों में ऐसे झोले पड़े होते हैं जो बेकार होते हैं, फट जाते हैं थोड़े बहुत साइड से, तो हम उसे फेंक देते हैं। लेकिन आज हम इसी झोले से एक यूनिक चीज़ बनाने वाले हैं जिसे देखकर आप भी बनाना चाहेंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले झोले को चारों तरफ से जहाँ जहाँ सिलाई लगी हुई थी हमने काट लिया है। और फिर इसे देखिए, हमने इसकी डोरी भी निकाल दी है। तो हम इसके बाद अब इस पर वो कटिंग करेंगे। तो देखिए, हमने सभी झोलों के चारों तरफ कटिंग कर दी है। और ये देखिए, मेरे पास पुरानी साड़ी पड़ी हुई थी तो मैंने इसी का यूज किया है। और सभी पार्ट को हमने साड़ी के कपड़े से कवर कर दिया है। और फिर हम देखिए, हमने 7 इंच का भी हमने चारों तरफ से जितनी हमारी लंबाई चौड़ाई है उसके अनुसार काट लेंगे। 7 इंच के सारे अकॉर्डिंग आप चाहे तो सीधे कपड़े भी चारों तरफ से मतलब काट सकते हैं। तो देखिए, अब हम इन सभी को स्टिच करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा कि हम क्या सिल रहे हैं। तो देखिए, हमने चारों तरफ से सिलाई करके इसे जोड़ लिया है। और ये देखिए, अभी सेम बॉक्स की तरह लगने लगा है। अब हम 2 इंच की चौड़ी पट्टी लेंगे और जहाँ जहाँ हमने सिलाई लगाई है वहाँ हम कवर कर देंगे। देखिए कैसे। देखिए, हमने चारों तरफ से इसे देखिए पट्टी से जोड़ लिया है ताकि ये सिलाई जो थी वो दिखाई ना दे। देखिए, अब हमने जो 11 इंच की जो देखिए हमने पल्ला जो सिला था उसे हम नीचे इसी तरह के हमने 2 सिले हैं, एक नीचे के लिए और एक ऊपर के लिए। तो देखिए, हम इसे चारों तरफ से इसको भी जोड़ देंगे नीचे के साइड से। तो चलिए, हम जोड़ने के बाद आपको दिखाते हैं।
से जुड़ लिया है और नीचे की साइड भी हमने पट्टी लगा दी है ताकि हमारी स्टिचिंग दिखाई ना दे। और ये देखिए ऊपर की साइड भी हमने पट्टियाँ जोड़ दी हैं चारों तरफ से। और देखिए दूसरे पल्ले को हम इसके ऊपर अब स्टिच करेंगे। तो देखिए हमने ऊपर के पल्ले को भी चारों तरफ से स्टिच कर दिया है। और ये देखिए मैंने ये चेन लगा दिया है, ये चेन भी मैंने पुराने कोट से निकाला है जिसका वीडियो भी हम जल्द ही लाएंगे, उस कोट का भी रीयूज़ करेंगे। तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए हमने अब इस दूसरे पल्ले को हमने इस पे जोड़ देना है। देखिए हम चारों तरफ से इसे स्टिच कर देंगे। और ये देखिए हमने एक हैंडल भी लगा दिया इसमें पकड़ने के लिए ताकि आसानी से हम इसे उठा सकें। तो चलिए हम इसको पूरी तरह से जोड़ कर दिखाते हैं। तो देखिए हमने इसको चारों तरफ से जोड़ दिया और ये बॉक्स की तरह बन गया है। अब हम इसमें देखिए देखिए कितना अच्छा बन गया है। अब हम इसमें अपने कोई भी कपड़े वगैरह रख सकते हैं, लेकिन मैंने तो अपनी चप्पल सैंडल वगैरह जो भी होते हैं रखने के लिए बनाया है, क्योंकि बहुत सारे मेरे घर में चप्पल हैं जो ऐसे फेंके हुए थे, गंदे हो जा रहे थे, इसीलिए मैंने ये बनाया है चप्पल रखने के लिए। देखिए इसमें रख कर हम बंद कर देंगे। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।